आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि चार अलग अलग तरीके से। सभी नाश्ते को बहुत ही इजी तरीके से सूजी से बनाया है और बहुत ही कम तेल में बना हुआ ये नाश्ता खाने में काफी लाइट और टेस्टी है। तो अगर आपको कुछ कम तेल में अच्छा सा नाश्ता बनाना हो तो ये सभी रेसिपीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सूजी से बहुत ही टेस्टी सा चीज बॉल्स, जिसे हम बगैर फ्राई किए हुए बनाएंगे। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल यहाँ पे गर्म होगा इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच राई, फिर इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं और इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भुनेंगे। जैसे ही जीरा थोड़े से ब्राउन कलर का होगा इसमें हम डालेंगे पानी। तो लगभग 1/2 लीटर पानी डाल रहे हैं, मतलब 2 कप पानी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और पानी को जो है हम अच्छे से एक बार गर्म कर लेंगे। यहाँ पे पानी जो है हल्का सा बॉयल होने लगा है, तो इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा सफेद तिल और साथ ही में इसी स्टेज पर अब हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ आलू। इसे हम बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से कुक करेंगे और तब तक वेट करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से उबाल ना आ जाए। और जैसे यहाँ पे पानी में उबाल आएगा वैसे इसमें हमें डालना है सूजी, और अब इस सूजी को हम डालते हैं उबलते हुए पानी में। तो एक हाथ से सूजी डालते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे तो इस तरीके से जो है गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और बहुत ही अच्छे से सूजी पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपने 1 कप सूजी लिया है तो उसी कप से नाप के आपको इसका डबल पानी ऐड करना होगा। तभी यहाँ पे जो सूजी है वो थोड़ी सी मीडियम थिक है, तो इसी स्टेज पे इसमें हम सभी मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं चिली फ्लेक्स, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं और इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। और मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में धनिया पत्ती डाल रही हूँ जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और बस अब हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से सभी मसाले भी मिक्स हो गए हैं और यहाँ पे जो सूजी का मिक्सचर है वो भी अच्छे से कुक हो गया है। जैसे ही ये ठंडा होगा और थिक हो जाएगा तो हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को हम तुरंत ही एक प्लेट में ट्रांसफर करके 10 मिनट के लिए ठंडा होने रखेंगे। 10 मिनट हो गया है और जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होगा तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है इस तरीके से और ये हाथों में थोड़ा सा स्टिक हो रहा था तो मैंने हाथ को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है जिससे कि ये स्टिक ना हो, और इस तरीके से स्मूथ बॉल बना के इसे फ्लैट कर लेंगे। और बीच में हम रखते हैं मोज़रेला चीज़, आप यहाँ पे चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी रख सकते हैं। और चीज़ रखने के बाद इसे हम बिल्कुल अच्छे से टाइटली सील कर देंगे। सील करने के लिए यहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, ये मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट और स्टिकी है जो कि आसानी से चिपक जाएगा। थोड़ा सा सफ़ेद तेल हाथ में लिया है और इस तरीके से बॉल के चारों ओर इसे रोल करके स्टिक कर लेंगे। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने आधे मिक्सचर से इतने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलिए बगैर फ्राई किए हुए चीज़ बॉल्स कैसे बनाए ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एपे पैन। अब एपे पैन को हल्का सा गर्म करते हैं और सभी कैविटी को हल्का सा तेल से ब्रश कर देते हैं और एक एक करके सभी बॉल्स को हम कैविटी में रखेंगे। मतलब मैंने उतने ही बड़े बॉल्स बनाए हैं जिससे कि वो एपे पैन में इजीली फिट हो जाएं। सभी बॉल्स को एपे पैन में अरेंज करने के बाद इसे हम हल्का सा तेल से ब्रश कर देते हैं, इसे हम कवर कर देते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से सिकने देंगे। बस 2 से 3 मिनट बाद ही हम ढक्कन को खोलते हैं और अब इसे हम बिल्कुल जेंटली इस तरीके से पलट देंगे। तो पलटने के बाद अब देख रहे ना कितना बढ़िया कलर आया, कितने अच्छे से नीचे की तरफ सिक गया है। और इसे अब हमें दूसरी तरफ से भी सेकना है, तो फिर से पैन को हम कवर कर देते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए और सेकेंगे। तो बहुत ही बढ़िया से ये देखिए हमारे एपे पैन में भी सभी बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। आगे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, एक एक करके सभी को हम प्लेट में निकालते हैं। इन चीज़ बॉल्स को आप चाहें तो डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसे हल्के से तेल में ये देखिए मैंने कितने बढ़िया तरीके से बनाया है जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। अब चलिए मैं आपको एक नाश्ता तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से कितना चीज़ी दिख रहा है। तो आपने देखा कितने कम तेल में बहुत ही टेस्टी सा चीज़ बॉल्स बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं बगैर फ्राई किए हुए स्टीम करके बहुत ही टेस्टी सी कचौड़ी। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे राई। जैसे ही राई यहाँ पे चटकने लगेगी वैसे ही इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे जब तक कि प्याज जो है हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बस 1 मिनट ही भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए टमाटर। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम सभी मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जिससे कि इस नाश्ते का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। इसमें अब हम डालते हैं चाट मसाला और साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे और सभी मसालों को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। बस मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं, अब हम लास्ट में इसमें डालते हैं उबले और मैश किए हुए आलू और साथ में यहाँ पर हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ती। और सभी चीजों को अब हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज्यादा भुनना नहीं है। तब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस फिलिंग को थोड़ा सा होने के लिए रख देते हैं। तब तक चलिए आउटर कवरिंग बनाना है, तो लेते हैं पैन
और इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे इस कप से नाप कर मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे पानी भी देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो गर्म पानी में हम तुरंत ही डालते हैं ओट्स का पाउडर, और साथ ही में इसका टेस्ट बढ़िया है इसके लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप सूजी भी लिया है। और अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही हमें इसे अच्छे से चलाना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। बस 2 मिनट में ये मिक्सर देखिए कितने अच्छे से थिक हो गया है। अब इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, साथ में हम यहाँ पे धनिया पत्ती भी डालते हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। और सभी को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मिक्सर है ना काफी अच्छे से थिक हो गया है, और इस मिक्सर को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो बस 10 मिनट हुआ है और ये मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब हम मिक्सर का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में इस तरीके से हम रोल करके इस तरीके से हम फ्लैट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो फिलिंग का मैंने एक छोटा बॉल बना लिया जिसे हम इस तरीके से सेंटर में रख रहे हैं, और अब हम इसे चारों ओर से बिल्कुल अच्छे से सील करेंगे। तो सील करने के लिए हाथों से हम फिलिंग को प्रेस करते जाएंगे, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक कचौड़ी की तरह हो गया है। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने चलनी को जो है ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और अब हम एक एक करके सभी कचौड़ियों को चलनी के ऊपर रखेंगे। अब चलिए इसे स्टीम करना है तो लेते हैं पैन। तो अब यहाँ पे पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, तो पैन को हम रखते हैं बिल्कुल जेंटली रैक के ऊपर और इसे कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर लगभग 4 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बस 4 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारे सभी बॉल्स जो हैं बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गए। तो अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही इसे हम चलनी से भी बाहर निकालेंगे। तो तड़का बनाने के लिए पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे राई। जैसे ही राई हल्की सी फूटने लगेगी इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को लो कर देते हैं और इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हींग, साथ में थोड़ा सा करी पत्ता डाल रहे हैं जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और एक बार इसे भी कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। और अब बस लास्ट में इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर जिससे कि डिश का जो कलर है ना बहुत अच्छा आएगा। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक एक करके सभी कचौड़ियों को हम इस तरीके से उल्टा करके पैन में रखेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे लो ही रखना है, और 2 मिनट नीचे की तरफ से हल्का सा सिकने के बाद इसे पलट देंगे। तो बस उलट पलट के बस हल्का सा ही मैंने मसालों के साथ कोट किया है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भुनना है, मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालते हैं और थोड़े से सफ़ेद तिल से इसे गार्निश कर देते हैं, साथ में हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी स्टफ्ड स्टीम बॉल्स बनके रेडी हो गया है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है और झटपट बन भी जाती है, और जब कभी आपको हल्का फुल्का और डिफरेंट बनाना हो तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, जो कि खाने में काफ़ी लाइट और टेस्टी लगती है। अब चलिए बनाते हैं सूजी से बहुत ही टेस्टी सा ढोकला, जो कि देखने में अमेजिंग लगता है, खाने में काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आज मैंने लिया है मूंग दाल, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चावल, और अब इसे हम 2 से 3 बार पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लेते हैं ताकि दाल में जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और बस पानी से धोने के बाद अब इसे हम ढक कर लगभग 2 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे कि दाल और चावल जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो 2 घंटा हो गया है और ये देखिए जो दाल है ना बिल्कुल अच्छे से फूल गई है, काफी सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए सभी मूंग दाल को जार में डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, और इसे अब हम ग्राइंड करके इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। और इसे एक बोल में ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा सूजी ऐड करेंगे जिससे कि टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। सूजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने सेम जार में ही थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें मैंने दाल पीसा था, और इसी पानी को जो है हम दाल के साथ ऐड कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 से 4 मिनट बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड रखते हैं जिससे कि जो सूजी है थोड़ी सी फूल जाएगी। तब तक चलिए हम बाकी तैयारियां भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कच्चा आलू और 1 प्याज। तो यहाँ पे आलू को छिलने के बाद इस तरीके से हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा महीन वाले ग्रेटर से हमें नहीं ग्रेट करना है, ये मोटे वाले ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। और सभी ग्रेट किए हुए आलू को पानी में डालकर एक बार बिल्कुल अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि आलू जो है बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। और तुरंत ही अब इसे हम डालते हैं मूंग दाल के मिक्सर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मूंग दाल का मिक्सर है ये भी 10 मिनट हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। तो बस यहाँ पे एक छोटे से प्याज को ग्रेट करने के बाद इसे भी हम डाल देते हैं मूंग दाल के मिक्सर के साथ, और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डालते हैं, ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं, और साथ में इसे थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए हरी मिर्च डाल रहे हैं। मसालों में सबसे पहले कलर के लिए हम डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डाल देते हैं, साथ में हम चिली फ्लेक्स डालते हैं और इसमें अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम लास्ट में डालते हैं धनिया पत्ती। अगर आप वेजिटेबल के साथ बना रहे हैं तो इसी स्टेज पे आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए इसका हमें नाश्ता बनाना है, तो लेते हैं एक बड़ा पैन और इसमें हम डालते हैं लगभग 1 लीटर पानी और पानी को हम गर्म करने चढ़ा देते हैं। और साथ ही में इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये एक बड़ा मोल्ड लिया है जिसे हम ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप कोई भी स्टील का कंटेनर ले सकते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हम लास्ट में इसमें डालते हैं इनो और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिवेट हो जाएगा और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इनो को मिक्स करने के बाद हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही इस मिक्सचर को हम डालते हैं मोल्ड में। मिक्सचर को मोल्ड में स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा सफेद तेल डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे सभी तैयारियां हो गई है, पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो बीच में रखते हैं एक रिंग और साथ में एक रैक भी रख देते हैं और तुरंत ही हम इस मोल्ड को रखेंगे रैक के ऊपर और कवर करके इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो गया स्टीम होते हुए और ये नाश्ता बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गया है। तो तुरंत ही इसे हम पैन से बाहर निकाल कर रखते हैं काउंटर टॉप पे और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा नाश्ता था ये ठंडा हो गया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से पैन से निकल गया है, काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। चलिए इसे मजेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाते हैं एक बढ़िया सा तड़का। तड़का लगाने के लिए हम पैन में डालते हैं तेल, जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे राई, जैसे ही राई चटकने लगेगी इसमें हम डालते हैं करी पत्ता, साथ में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और लास्ट में इसमें हम सफेद तिल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। तुरंत ही इस तड़के को हम डालते हैं ढोकला के ऊपर और कट करने से ये देखिए लग रहा है ना कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, हर एक स्लाइस बहुत ही कमाल की लग रही है। तो आपने देखा बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा ढोकला बन गया है जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता जिसे आप 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने प्याज और टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके बोल में ट्रांसफर कर दिया है और इस तरीके से ग्रेट किए हुए आलू को भी हम रखते हैं सेम बोल में। साथ में इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी मिर्च भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं थोड़ा सा बेसन और साथ ही में इसमें हम सूजी भी डालेंगे। सूजी लगभग 1 कप है क्वांटिटी में। अब यहाँ पे सभी को मिक्स करने के बाद इसका हमें मीडियम थिक बैटर बनाना है, तो इसमें हम डालते हैं पानी। पानी लगभग मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा लिया है और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इसमें हम डालते हैं नमक और नमक डाल के एक बार फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो नमक डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए हम ढककर साइड रख देते हैं। तो 10 मिनट हो गया है और ये देखिए सूजी जो है अच्छे से फूल गई है, मिक्सचर भी काफ़ी थिक हो गया है। तो चलिए इसमें दही की जगह हम लेते हैं नींबू और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नाश्ता बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं, कुछ भी हमें नहीं करना है। तो इनो जो है हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और साथ ही में थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिवेट होगा। इससे बहुत ही अच्छी सी जाली भी आती है और हमारा नाश्ता सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो इनो को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हमें नाश्ता बनाना है। तो लेते हैं पैन में 2 चम्मच तेल और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे जीरा, साथ में थोड़ी सी राई डाल देंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे, इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तेल और थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे और लगभग 2 से 3 चम्मच हम बना हुआ बैटर को इस तरीके से कढ़ाई में स्प्रेड करेंगे और साइड में थोड़े बहुत जो मसाले हैं इसे हम टॉप पार्ट में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा सेसमी सीड डालते हैं और थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल देते हैं जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा। और अब इसे हम कवर करके नीचे की तरफ से मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 2 मिनट के लिए सेकेंगे। 2 मिनट बाद आप देख रहे हैं ऊपर का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा ड्राई हो गया है। तो इसी समय इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए सेकेंगे। तो देखा आपने कढ़ाई में कितना बढ़िया अमेजिंग सा नाश्ता बनके रेडी हो गया है, देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, खाने में बहुत ही अमेजिंग है। तो सभी नाश्ता काफी लाइट, हेल्दी और टेस्टी है। आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत ही कम तेल में 4 अलग अलग तरीके से हेल्दी नाश्ता बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।